हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज नीड ऑफ मेजरमेंट। As you know that physics is the science of measurement, so firstly we will learn how to do measurement, what is its need and everything. Need of measurement, agar physics ka naam hai science of measurement, theek hai, to isme log measurement karte hain aur measurement karne ki need kya hai yehi hum logo sabse pehle samajhna hai, theek hai. Suppose that there are two circle, circle A and circle B. So if someone asks to you which circle is bigger, question is which circle is bigger? Then what will be your answer? It's obviously B. जो B circle है वो bigger circle. Then if the next question is arises to you, how much? क्या इसका भी answer आप उतने ही आसान तरीके से दे सकते हो? जैसे पहले question का answer आपने बड़े easily बोल दिया कि B जो है वो बड़ा circle है और ए जो है वो छोटा सर्किल है. क्या जो सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच, मतलब बी कितना बड़ा है ए से, क्या इसका आंसर भी आप इतने आसानी से दे सकते हो? नहीं. ऐसे आंसर्स के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसका रेडियस मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे. तो मान लीजिए इसका रेडियस एक एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है. तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ द बी इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द ए. तो ये कैसे पता चला? ये पता चला हम लोगों को आफ्टर मेजरमेंट. तो मेजरमेंट करने से हम लोग किसी भी क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे पाते हैं, ठीक है. तो आप नीड ऑफ मेजरमेंट में आप ये लिख सकते हो, मेजरमेंट गिव्स अस एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द क्वांटिटी. ठीक है, ये मेजरमेंट का सबसे पहला पॉइंट है. दूसरा, विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट वी विल कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द न्यूमेरिकल वैल्यू इट विल बी इजी टू कंपेयर इट विद द अनदर वैल्यूज. मेजरमेंट में एक्चुअल हम लोग करते क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. अब न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने से हम लोग बड़े आसानी से उसकी कंपैरिजन दूसरे क्वांटिटीज के साथ कर पाते हैं. तो हमारा मेन रीजन क्या होता है मेजरमेंट का? एक तो किसी भी क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्ट आइडिया लेने के लिए, और दूसरा कि उस क्वांटिटी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके आसानी से समझ सकते हैं. With the help of measurement,
वी कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी इन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू. Which is easy to compare oblique understand. ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट के पीछे एक छोटा सा रीजन है. अब हम लोग जानेंगे हाउ टू डू मेजरमेंट. हम लोग मेजरमेंट को करते कैसे हैं, ये तो उसकी जरूरत है कि हमारी जरूरत क्या है मेजरमेंट करने की, और फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू डू मेजरमेंट. अब हमारा है हाउ टू डू मेजरमेंट. तो हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं देखिए. सबसे पहले तो मेजरमेंट करने के लिए हमें भी किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को चाहिए. जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर एक लाइन है, ठीक है, लाइन ए बी, और हमें इस लाइन का मेजरमेंट करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन की किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेंगे, किसी इस लाइन की एक छोटे हिस्से को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेंगे और उसी स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म में इसका मेजरमेंट करते हैं, और उस स्टैंडर्ड वैल्यू को बोलते हैं हम लोग यूनिट. जैसे मान लीजिए कि मीटर स्केल, आपके पास मीटर स्केल होता है, आप लेंथ का मेजर जो मेजरमेंट है वो मीटर स्केल के हेल्प से ही करेंगे. ये जो मीटर स्केल है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और इस मीटर स्केल को हम लोग बोलते हैं यूनिट. मान लीजिए आपके पास एक मीटर स्केल है, ये रहा मीटर स्केल, ठीक है, लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसी स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म में हम लोग किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं और इस स्टैंडर्ड वैल्यू को यूनिट बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए मेजरमेंट करते कैसे हैं. तो मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस मीटर स्केल को लेंगे, यहां रखेंगे, और यहां रखने के बाद आप एक छोटा सा निशान यहां बना लेंगे, है ना, फिर आप इसके आगे फिर से रखेंगे और फिर से यहां छोटा सा निशान बना लेंगे, फिर उठा करके इसके और आगे रखेंगे और फिर से यहाँ पर छोटा सा निशान बनाएंगे, और यही प्रोसेस आप करते जाएंगे जब तक कि दूसरा एंड हमारे पास ना आ जाए. ठीक है, इस तरीके से आप इसका मेजरमेंट करते हैं. ये है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर. आप लोगों ने क्या देखा, आपने देखा कि जो अननोन लेंथ ए बी है ये मीटर स्केल से 4 टाइम्स में आई है, यानी कि ए बी की जो मेजरमेंट हो जाएगा ए बी इक्वल टू 4 टाइम्स
ऑफ 1 मीटर स्केल, ठीक है, या बोल सकते हो 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। फोर टाइम्स का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 1 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि एबी की लेंथ कितनी हो गई 4 मीटर। तो ये क्या है, आपने किया क्या, आपने एबी को, एक अननोन क्वांटिटी था, इसको आपने न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी को तो मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप चाहें कि मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखना, तो आप लिख सकते हैं मेजरमेंट इज ए प्रोसेस process in which we compare a unknown quantity with the standard known quantity of the same kind. ठीक है, मतलब मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो यहाँ स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी जो है इसको यूनिट बोलते हैं, यहां मन के बढ़ा लीजिए, एंड द स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी इज नोन एज known as unit, एंड देखो ये जो वैल्यू है ना इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, ये एम जो लिखा हुआ है ये कहलाएगा यूनिट। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इस एम को बोलते हैं हम लोग यूनिट, और इसके साथ ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो इसके साथ में लगी हुई है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बताना हो कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स द
यूनिट इज कंटेन्ड इन टू द अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू। The how many number of times the standard value in the bracket unit is contained into the unknown quantity is known as magnitude या न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट और मैग्नीट्यूड की भी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी यू है, मतलब यूनिट, और कोई एक अननोन क्वांटिटी क्यू है। ठीक है, क्यू क्या है? अननोन क्वांटिटी है। मतलब जिस क्वांटिटी का हमें मेजरमेंट करना है, और कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी U है ऑफ द सेम काइंड ऑफ Q, जिसको आप यूनिट भी बोल सकते हो। और जब हम लोगों ने Q का मेजरमेंट U के हेल्प से किया, तो माना कि n टाइम्स जो है u q के अंदर कंटेन कर रहा है, यानी कि n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे केस में आफ्टर मेजरमेंट हमें क्या मिलेगा? आफ्टर मेजरमेंट हम लिख सकते हैं Q is equal to nu. Q क्वांटिटी है, n न्यूमेरिकल वैल्यू और u यूनिट है, जैसा कि एग्जाम्पल में अभी हम लोगों ने देखा है। क्या देखा है? अभी हम लोगों ने देखा था कि ए बी एक कोई क्वांटिटी थी जिसका मेजरमेंट हमने लिखा 4 meter, तो 4 n की वैल्यू हो गई और u की वैल्यू m हो गई। क्या हम लोग इस ए बी को किसी दूसरे क्वांटिटी में भी मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या दूसरे यूनिट में भी मेजरमेंट कर सकते हैं? जैसे अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट को सेंटीमीटर मान लीजिए, मतलब कि हम ए बी जो क्वांटिटी थी, ए बी जो लेंथ था, इसको हम सेंटीमीटर स्केल से मेजरमेंट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि हम एक ही क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में मेजरमेंट कर सकते हैं, और जब हम अलग अलग यूनिट में मेजरमेंट करते हैं तो उसके करिस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। कहने का ये मतलब हुआ कि Q कैन ऑल्सो बी मेजरमेंट विद द सम स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी U1 एंड द करिस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज N1, and any other standard quantity is U2, corresponding numerical value is N2, right? Now,
एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू. इट मीन u1 upon u2 is equal to n2 upon n1. ये देखिए उल्टा रेशियो आया ना, मतलब u1 ज्यादा होगा तो n1 छोटा हो जाएगा. दैट इज इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 देन n1 विल बी लेस देन n2. मतलब u1 बड़ा होगा तो n1 छोटा होगा. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो n और u के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट. जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. यानी कि अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यूनिट छोटी हो जाएगी, या यूनिट को बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं. आप यहां लिखने आपने यहां लिखा था ए बी इज इक्वल टू 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये एक्चुअल में एन वन की तरह है, ये यू वन है, ये एन टू है और ये यू टू है, और ये हमारी क्वांटिटी क्यू है. आप देख रहे हो कि सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, तो जब मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन हुआ है यानी कि यूनिट स्मॉल हो गई है, तो आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, लार्ज. ठीक है, तो ये बता रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है. ठीक है, ये बात समझ लेने वाली है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है. अब जब भी यूनिट को बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी, और जब यूनिट को घटाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी. अब आते हैं न्यू टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट. देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, कई तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको. फर्स्ट सीजीएस सिस्टम, सेकेंड एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और एक कुछ दिनों के लिए फेमस हुआ था एमकेएसए सिस्टम. और सबसे लास्ट में हमारा एसआई सिस्टम. ठीक है, अब देखिए सबकी मीनिंग क्या होती है. सीजी सिस्टम का मतलब यह होता है कि अगर सी फॉर सेंटीमीटर जो पहला वाला है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा है ये मास को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम लोग लेंथ को और ऊपर लिख देते सबके लिए कॉमन हो जाएगा,
लेंथ को अगर हम लोग सेंटीमीटर में मेजरमेंट करें, मास को जी फॉर ग्राम ग्राम में मेजरमेंट करें और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करें, तो हम लोग उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग तब लोग बोलते हैं इसको सीजीएस सिस्टम। अगर लेंथ को सेंटीमीटर मेजरमेंट किया जा रहा हो, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड। एफपीएस सिस्टम, अगर लेंथ को हम लोग फुट में मेजरमेंट करें, जैसे 5 फीट 6 फीट आप लोग जानते हैं ना, तो वैसे अगर फुट में मेजरमेंट करें, मास को पाउंड में। पाउंड आप लोग जाते हो केक खरीदने, तो 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक ऐसे मांगते हो ना, ठीक है, तो अगर मास को पाउंड में मेजरमेंट करें और टाइम को सेकंड में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एमकेएस के लिए, लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करें, मास को किलोग्राम में मेजरमेंट करें और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करें, तो इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एम के एस ए क्या हुआ है? तो एम के एस में भी एम का मतलब मीटर है, के का मतलब केजी है, एस का मतलब सेकंड है, और ये जो ए आया है, ए का मतलब यहां पर एम्पियर है, यानी कि करंट का मेजरमेंट को भी इसमें ऐड कर दिया गया था, एम्पियर। करंट को एम्पियर में मेजरमेंट करेंगे। लेकिन ये जो था, ये बहुत फेमस नहीं हुआ, लोग इसको एमकेएस सिस्टम ही कहते थे। तो एम के एस ए और एम के एस दोनों एक ही बात है। अब देखो कितने तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए, ठीक है। कोई सीजीएस में मेजरमेंट करना चाहता है, कोई एफपीएस में मेजरमेंट करना चाहता है, कोई एम के एस में मेजरमेंट करना चाहता है, तो पूरी कंट्री में ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर सब लोग अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट करेंगे तब। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, और उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, और इसमें भी ये एक्चुअल में एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में भी हम लोग लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में ही मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, तो अब इसमें अलग क्या हुआ? तो अलग ये हुआ कि एमकेएस सिस्टम में एक ही क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए कई यूनिट्स अवेलेबल थी, जैसे कि एनर्जी। एनर्जी को यहां पर हम लोग कैलोरी में भी मेजरमेंट कर सकते थे और जूल में भी मेजरमेंट कर सकते थे, लेकिन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में ये डिसाइड कर दिया गया कि एनर्जी का सिर्फ एक ही यूनिट होगा, वो होगा जूल, ठीक है। ऐसे ही टेम्परेचर के लिए भी डिसाइड कर दिया गया कि टेम्परेचर को हम लोग हमेशा यहां पर किस में मेजरमेंट करेंगे? केल्विन में मेजरमेंट करेंगे, जबकि यहां पर टेम्परेचर के लिए आपके पास 3 यूनिट्स अवेलेबल थी, डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का हमारे पास एडवांटेज है। ओके, थैंक यू वेरी मच।